नहीं तवाको है, नेवला भी है, फौजी भी है। कटुई पूछ रहे थे अपन तरफ से नहीं मिले पत्ते वाले। अबे लौटे को हमने के दो तीन घंटा बाद तबले मरबे जा के नहीं एक आध घंटे को तीन एक ना है माने हल रात ही के हां तीन है के इतना है दिन में नहीं दिन में का तो सब गांव वाला ऐसे कह कर रहे हैं ठीक ही है और ऐसा गांव वाले परेशान कर देते हैं तीन हमें दे दो हमें दे हर वक्त ना मिली ऐसा काम कर रहे हैं सही है किसी को इसी में वो कर लीजिए कौन जगह चलिया वाले पाल के लंगवा जा हां बाल कृष्ण को बता घंटे किनारे किनारे घूमत रही तब उसमें बांध दे थोड़ी देर खा गंगा मैया की तो भाइयों हम लोग नरोरा परमाणु विद्युत गृह और भारत ये WWF इंडिया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर प्रकृति का संरक्षण करने के लिए एक संस्था है उसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इस पूरी नदी के संरक्षण के लिए गंगा संरक्षण अभियान है। इसमें तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं जैसे कि पॉलीथीन लोग यूज करके और फेंक देते हैं और अल्टीमेटली गंगा में आके फैल जाती है। दूसरी दिक्कत है कि इस तरह के जो पहलेज हैं उस पर फार्मिंग होती है, खेती कर रहे हैं लोग, उसमें तरह तरह की दवाइयाँ खाद और फर्टिलाइजर्स वगैरह इसमें डालते हैं और इसको डालने से जो पानी बरसात होगी तो इससे रिस के पानी के साथ वो जो दवा है और जो खाद है वो इस नदी में चला जाएगा और फिर तुमको जब प्यास लगती है तो इसी में से पानी उठा कर पीते हो वो नुकसान करता है। इसमें जो मछली है सामने में रख देना वो भी नुकसान करता है। इसमें जो मछलियां हैं वो इस पानी को शुद्ध करती है। बड़े वाला। जो मछलियां इसमें हैं वो इस पानी को शुद्ध करती हैं। अगर वो मछली सारी की सारी खत्म हो जाए इतना ज़्यादा इससे जाल से मछली मार दो जैसे वो पतला वाला है तो सारी की सारी मछली खत्म हो जाएगी तो एकदम विषाक्त हो जाएगी ये नदी। जीवित नदी नहीं रह जाएगी और पानी फिर पीने लायक नहीं रह जाएगा। दूसरी चीज कि ये पहलेज करने से जब लोग खोदने जाते हैं तो इससे कछुए के अंडे निकलते हैं तो उठा कर फेंक देते हैं। वैसा करने से भी कछुए सब मर जाएंगे और कछुए जब नहीं रहेंगे तो जो सड़ी गली लाश या कोई चीज़ इसमें जो फेंक देते हैं कुछ लोग जल प्रवाह कर देते हैं ना तो वो फिर कौन खाएगा उसको, वो ऐसी सड़ी हो जाएगी और इसके पानी को और गंदा कर देगी। कुल मिला के कुत्ते बिल्ली जो पानी पीने आएंगे वो भी मर जाएंगे बीमार होकर। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम एक तो पहले डॉल्फिन इसमें से कोई भी सूस अगर गलती से भी किसी जाल में फंस जाए तो उसको तुरंत छोड़ देना है नहीं तो एक दो मिनट तीन मिनट में वो खुद ही सांस नहीं लेने के चक्कर में मर जाएगी। तो अगर लगता है कि बहुत बड़ा जानवर कोई इसमें फंस गया है तो उसको तुरंत छोड़ दो। दूसरा काम कि लोगों को बताओ अपने साथ साथ कि इसमें पहलेज में जो कंपोस्ट खाद है गोबर की खाद है उसका तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन कोई जहरीली दवाई कोई ऐसी चीज़ जो नुकसान करे जैसे फर्टिलाइजर्स है केमिकल फर्टिलाइजर उस सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मछली भी एकदम छोटी छोटी मछली नहीं मारना चाहिए, जाल का साइज बड़ा रखो, इतने बड़े से ज़्यादा बड़ा मछली मिलता है तो मारना चाहिए। इसके अलावा हमारे डॉक्टर साहब आए हैं ये WWF के हैं ये आपको बताएंगे कि और क्या करना है। डॉक्टर साहब आप इन लोगों को थोड़ा बता दीजिए फिर हम लोग निकलते हैं। बहुत सारे मछुआरे ऐसे हैं जो खाली सोच को ही मारते हैं। अभी उनको पुलिस वालों ने पकड़ा था पिछले साल और सबको चालान कर दिया सब अंदर में। जो जानते हो भागलपुर जानते हो भागलपुर उसके पास बहुत सब गुनाह नहीं है मछली मारना कोई उससे कोई नुकसान नहीं है मछली को मारना भी चाहिए लेकिन इतना मारना चाहिए जितना हम उसका यूज़ कर सकें। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही जगह से मछली यदि हम मार देंगे तो वहाँ से मछली ख़त्म हो जाएगी और मछली जहाँ से जिस पानी से मछली ख़त्म हो जाएगी वो तो पानी ही ख़त्म हो जाएगा। पानी का जो क्वालिटी होता है पानी में वो ख़त्म हो जाएगा, गंदा हो जाएगा पानी।
क्योंकि मछली जो है आप लोग जानते होंगे उसको काई पाई खाती रहती है ना, तो कुछ मछली पकड़ रही है मतलब एक जगह से फोन कर देना है, और छोटी मछली बहुत छोटी मछली को नहीं पकड़ना चाहिए। तुम्हारा पूरा भाषण है, काम में नहीं आता है। गंगा मैया की वो है जयकारा है, एक बार जयकारा लगा देना फाइनल तो उठा लेना। छोटी मछली जो है जो यदि मिल जाता है तो उसको बची है तो उसको बाहर निकाल देना ही बेहतर है। तो मछली मारना कोई बहुत बड़ा गलती नहीं है, गलती नहीं है, मछली तो मारना चाहिए लेकिन उसको हम लिमिटेड हिसाब से, मतलब उसका एक लिमिट हम रख दें कि इससे ज़्यादा मछली इस एरिया में नहीं मारेंगे, यदि यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो हम आगे चले जाएंगे। और ये सोंस जो है बहुत जगह पे आप सोचोगे ये हमारी दोस्त है, क्योंकि जहाँ पे सोंस दिखाई देती है वहाँ सोचना चाहिए कि हमें मछुआरों को, मछुआरा का दोस्त है क्योंकि जहाँ पे सोंस दिखाई देती है वहाँ मछली है। हाँ, जहाँ रहेगी वहाँ जरूर मछली रहेगी, है कि नहीं? हाँ, तभी तो सोंस वहाँ पे है, तो आप उसको अपना दोस्त समझना है ना, कि जहाँ पे हमको ये दिखती है वहाँ पे हमें मछली मिलेगी। भाई इसको हम मारेंगे तो फिर हमको दिखाई कैसे देगी, ये तो खोजना पड़ेगा हमें, है कि नहीं? तो इसीलिए इसको नहीं मारना और छोटी मछली को नहीं मारना, जो बड़ी बड़ी मछली है उसको आराम से मारिए खाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग के जाल में सोंस नहीं लगेगी, अगर कभी काल लग जाती है तो बहुत जल्दी